वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं ये ड्राई फ्रूट फिश बना रही थी। प्रॉन्स है ड्राई वाले, छोटे से जो आते हैं, मुंबई में बहुत मिलते हैं और मुंबई के लोग इससे खाना बहुत पसंद भी करते हैं मोस्ट ऑफ लोग। तो आज मैं ये बना रही थी, ये मैंने मुंबई से ही मंगाया है और यहाँ पे भी मिल जाता है इंडियन सुपर मार्केट में कभी कभी, या इससे थोड़ा बड़े साइज़ में आता है ड्राई फिश, उसमें वहाँ पे मिल जाता है। तो ये बनाने के लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ लिया है। तो चलो बताती हूँ। प्याज ली है मैंने, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। मिर्ची ली है, इसे भी मैंने ऐसे इस तरीके से चीर लिया है और ऐसे क्यूब में पटेटोस को कट कर लिए हैं और चॉप कर लिए हैं टमाटो। और उसमें सिर्फ स्पाइसेस में जाएगा नमक और हल्दी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। पैन में तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज। प्याज के साथ ही मैं बटाटे भी ऐड कर दूंगी। तो प्याज जैसे ही नरम हो जाएगा बटाटे भी थोड़े गल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम प्याज के साथ ही बटाटे गला लेते हैं तो बटाटे गल जाते हैं। यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है और बटाटा भी गल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, नमक। नमक डाल रही हूँ, थोड़ा कम ही नमक डालते हैं इसके अंदर। और हल्दी आधा चम्मच। ऐड करेंगे टमाटर और मिर्ची। इसमें भी मैंने कट कर लिया है, हरा धनिया भी मैंने कट करके रख दिया है, ये लास्ट में लगेगा। टमाटर मिक्स हो जाए, गल जाए थोड़े से। इसको भी जो है वॉश करके अच्छे से धो ली, वॉश कर लिया अच्छे से। और अब हम इसको भी चेंज डाल देंगे। जौला डालने के बाद जो है अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और बस 5-10 सेकेंड के लिए इसको ढक के रख देंगे और ये बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये बनके रेडी हो गया है और अभी हम इसका जो है गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे और इसे इस पे हरा धनिया काट के डाल देंगे और इसे सर्व कर लेंगे रोटी के साथ। यहाँ पे जो है जोला बन के रेडी हो गया, साथ में दो रोटी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।